Hello friends, welcome back to Aimless Education. My name is Khushi and in this video we will learn about how to use has, have, had. If you like the video, click the like button. Let's start the video. Friends, अब हम जानते हैं कि has, have और had वो हमारे किसके साथ यूज होते हैं, कहाँ पे यूज होते हैं और उनकी हिंदी क्या क्या होती है, ठीक है? तो वो जानते हैं। पहले हमारा has की हिंदी होती है पास है और कर चुका है, ठीक है? कुछ कुछ सेंटेंस में पास है आता है और कुछ कुछ सेंटेंसेस में कर चुका है आता है, ठीक है? तो हमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? और यहाँ पे है have की हिंदी भी पास है और कर चुके है होती है, ठीक है? यहाँ पे हैड हैड की हिंदी होती है पास था और कर चुके थे, ठीक है? जो हमारे has और have ये दोनों किस में यूज होते हैं? प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं, ठीक है? Has और have हमारे present tense में use होते हैं, ठीक है? But जो हमारा had है वो किस में use होता है? Past tense में use होता है, ठीक है? Past tense में हमारा had use होता है, ठीक है? अब हम जानते हैं किस किस subject के साथ use होते हैं, ठीक है? ये जो हमारा has है ये हमारा singular के साथ use होता है, किसके साथ? Singular के साथ, ओके? अभी हमारा have है, have जो होता है हमारा I, we, you, जो हमारे प्लूरल होते हैं ना, मतलब आई के साथ और प्लूरल के साथ हमारा हैव यूज होता है, ठीक है? बट ये जो मेरा हेड है, हेड जो होता है वो ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है, ठीक है? वो किसके साथ यूज होता है? ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, हेड क्या होता है हमारा? ऑल सब्जेक्ट के साथ यूज किया जाता है, ठीक है? अब यहाँ पे हमारा अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जानेंगे, इन तीनों का यूज अफर्मेटिव में, नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में, ठीक है? अब हम जानते हैं हैज का यूज अफर्मेटिव में, ठीक है? अफर्मेटिव क्या होता है? अफर्मेटिव वो होता है सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस जो हम सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं उसको हम अफर्मेटिव कहते हैं, ठीक है? अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है सीता के पास कार है, ठीक है? तो हम इसको ट्रांसलेट करते हैं, सीता क्या है हमारा सब्जेक्ट है, तो सीता has, ठीक है? हम यहाँ पे has का यूज करेंगे, ठीक है? सीता has car, ठीक है? सीता has car, सीता के पास कार है, ठीक है? सेकेंड एग्जाम्पल है वह काम कर चुका है, ठीक है? कर चुका है तो इसकी इंग्लिश होगी has, ठीक है? तो लिखेंगे ही has done work, ठीक है? ही has done work, वह काम कर चुका है, ठीक है? थर्ड एग्जाम्पल है राम के पास बड़ा घर है, ठीक है? तो राम क्या हमारा सब्जेक्ट है, तो राम has big house, ठीक है? राम has big house, राम के पास बड़ा घर है। फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं has का यूज नेगेटिव में, ठीक है? नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव वो होता है किसी भी सेंटेंस में नहीं का यूज होता है तब हम नेगेटिव बोलते हैं, ठीक है? मतलब किसी भी लैंग्वेज में हम बोलते हैं ना नहीं, मुझे काम नहीं करना, तो वो क्या होता है हमारा? नेगेटिव होता है, ठीक है? अब हम एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे है वह काम नहीं कर चुका है, तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो ये क्या सेंटेंस हो गया हमारा? नेगेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है? अब इसको ट्रांसलेट करती है, वह काम नहीं कर चुका है, ठीक है? तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी, वह क्या है हमारा सब्जेक्ट है, तो ही के बाद क्या लगेगा हमारा? हैज लगेगा, ठीक है? ही हैज नॉट डन वर्क, ठीक है? ही हैज नॉट डन वर्क, ठीक है? सेकेंड एग्जाम्पल है वह खाना नहीं खा चुका है, ठीक है? तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी, ही हैज नॉट eaten food, ठीक है? He has not eaten food, यहाँ पे हम verb की third form use करेंगे, ठीक है? He has not eaten food, ठीक है? Third example, राम के पास car नहीं है, ठीक है? तो राम क्या हमारा subject है, तो राम has not car, ठीक है? राम has not car, राम के पास car नहीं है, ठीक है? Friends, अब हम जानते हैं has का use interrogative में, ठीक है? Interrogative में दो structure है हमारे, पहला structure है हमारा has सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट फिर देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है? सेकंड स्ट्रक्चर में क्या है, सेकंड स्ट्रक्चर में पहले हम डज लगाएंगे फिर सब्जेक्ट लगाएंगे बाद में हम हैज का यूज करेंगे, ठीक है? अगर किसी भी सेंटेंस में पास है आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में पास है आएगा तब हम डज सब्जेक्ट फिर हम हैज का यूज करेंगे, ठीक है? अगर किसी भी सेंटेंस में कर चुका है आएगा तब हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे, ठीक है? तो हम एग्जाम्पल को ट्रांसलेट करते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल है क्या राम के पास कार है, ठीक है? तो यहाँ पे पास आ रहा है तो हम यहाँ पे लगाएंगे डस, ठीक है? फिर देन सब्जेक्ट आएगा डस राम हैज कार, फिर देन क्वेश्चन मार्क डस राम हैज कार। सेकंड एग्जांपल है हमारा क्या उसके पास किताबें हैं, तो यहाँ पे भी क्या है हमारा पास आ रहा है, ठीक है? तो हम यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे, सेकेंड वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे, ठीक है? तो पहले हमें क्या लगाना है डस, ठीक है? डस ही
हैज बुक्स, फिर देन क्वेश्चन मार्क, डज ही हैज बुक, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा, क्या सीता काम कर चुकी है, तो यहाँ पर आ रहा है कर चुकी है, तब हम ये वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा हैज सीता डन वर्क, फिर डन क्वेश्चन मार्क, है सीता डन वर्क, ठीक है। फ्रेंड्स अब हम जानते हैं हैव का यूज अफर्मेटिव में, ठीक है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है, पहले हम वो देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, मेरे पास कार है, ठीक है, मेरे पास कार है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है, हमारे पास एक बड़ा घर है, ठीक है, हमारे पास एक बड़ा घर है, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल है, तुम काम कर चुके हो, ठीक है। तो हम इन एग्जाम्पल को ट्रांसलेट करती हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, मेरे पास कार है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई हैव कार, आई हैव कार, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है, हमारे पास एक बड़ा घर है, ठीक है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी वी हैव बिग हाउस, वी हैव अ बिग हाउस, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल है, तुम काम कर चुके हो, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी यू हैव डन वर्क, यू हैव डन वर्क, ओके। सो फ्रेंड्स अब हम जानते हैं हैव का यूज इंट्रोगेटिव में, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, पहले हम वो देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, मेरे पास किताबें नहीं है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी, मेरे क्या है, मेरा सब्जेक्ट है, तो आई हैव, ठीक है। तो नहीं आ रहा एग्जाम्पल सेंटेंसेस में, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, नॉट, ठीक है, क्योंकि ये क्या है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। आई हैव नॉट बुक्स, ठीक है, आई हैव नॉट बुक्स, मेरे पास किताबें नहीं है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा, तुम्हारे पास कार नहीं है, ठीक है, तो इसी इंग्लिश हो जाएगी यू हैव नॉट कार, ठीक है, यू हैव नॉट कार, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल है, हमारे पास पैसे नहीं है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी वी हैव नॉट मनी, ठीक है, वी हैव नॉट मनी, हमारे पास पैसे नहीं है, ठीक है। फ्रेंड्स अब हम जानते हैं हैव का यूज इंट्रोगेटिव में, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या तुम खेल रहे हो, या फिर आप पूछ सकते हैं आपका क्या नाम है, ठीक है। तो इसमें क्या हम क्वेश्चन पूछ रहे, तो हम इन्हें क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, ठीक है। अब हम जानते हैंव का यूज, ओके। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, क्या तुम्हारे पास काम नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, क्या तुम काम कर चुके हो। थर्ड एग्जाम्पल है, क्या हमारे पास पैसे है, ठीक है। अब हम ये सब सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा, क्या तुम्हारे पास काम नहीं है, ठीक है, तो पास आ रहा है, तो हम यहाँ पे डू का यूज करेंगे, ठीक है। डू का यूज होता है हम प्लूरल के साथ यूज करते हैं, ठीक है, और डज का यूज हम सिंगुलर के साथ यूज करते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या है हमारा, तुम्हारा है, तो यू क्या है हमारा प्लूरल है, इस वजह से हम यहाँ पे किसका यूज करें, डू का यूज करें, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम लगाएंगे डू यू हैव नॉट वर्क, फिर देन क्वेश्चन मार्क। आप सोचोगे यहाँ पे नॉट क्यों है, नॉट इस वजह से क्योंकि हमारे सेंटेंसेस में ही नहीं था, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी कभी कभी नहीं आता है, कुछ कुछ सेंटेंस में तब हम नॉट का यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, क्या तुम काम कर चुके हो, ठीक है, तो कर चुके हो आया है, तब हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, हैव का यूज करेंगे, ठीक है। तो आएगा हैव यू डन वर्क, फिर देन क्वेश्चन मार्क, हैव यू डन वर्क, ठीक है। आपको पता है क्वेश्चन मार्क क्यों आ रहा है, क्वेश्चन मार्क इस वजह से आ रहा है क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट एग्जाम्पल है हमारा, क्या हमारे पास पैसे हैं, ठीक है, तो पास आ गया, तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे, ठीक है। तो इसकी मैं सोचेंगे डू वी हैव मनी, फिर देन क्वेश्चन मार्क, डू वी हैव मनी, ओके। फ्रेंड्स अब हम जानते हैं हेड का यूज अफर्मेटिव में, ठीक है। हेड की हिंदी थी हमारी पास था और कर चुके थे, ठीक है। अब हम कुछ इसके एग्जाम्पल देते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, वह खेल चुका था, ठीक है, चुका था आ रहा है, तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, हेड का यूज करेंगे, ठीक है। अब आप सोचोगे यहाँ पे वह क्यों है, हेड जो होता है वो और सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, ठीक है, वो भी किस में, पास्ट टेंस में, ठीक है। तब इसकी इंग्लिश हो जाएगी ही हैड प्ले, ठीक है, यहाँ पे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, वह खाना खा चुकी थी, ठीक है, तो लास्ट में क्या रहा है, चुकी थी आ रहा है, तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे, हेड का यूज करेंगे, तो ये आ जाएगा शी हैड ईटन फूड, फिर देन क्वेश्चन मार्क, शी हैड ईटन फूड, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा, राम के पास कार थी, ठीक है, तो ये पास आ गया, तब हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे,
हेड का ही यूज करेंगे, ठीक है? तो हो जाएगा राम हेड कार, ठीक है, राम हेड कार, ओके फ्रेंड्स। अब हम जानती हैं हेड का यूज नेगेटिव में, ठीक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, पहले हम वो देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, हमारे पास कार नहीं है, ठीक है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी, हमारे की इंग्लिश होती है वी, ठीक है, वी हैड नॉट कार, ठीक है, वी हैड नॉट कार, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा, वह खेल नहीं चुका था, ठीक है, वह खेल नहीं चुका था, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी ही हैड नॉट प्लेड, ठीक है, ही हैड नॉट प्लेड, ओके। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा, मेरे पास किताबें नहीं है, ठीक है, मेरे पास किताबें नहीं है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी आई हैड नॉट बुक्स, ठीक है, आई हैड नॉट बुक्स, ओके। फ्रेंड्स अब हम जानते हैं हैड का यूज इंट्रोगेटिव में, ठीक है, जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल है, क्या वह खाना खा चुका था, ठीक है, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे चुका था आ रहा है, तो ठीक है, तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, हेड का यूज करेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा हेड ही ईटन फूड, फिर देन क्वेश्चन मार्क, हेड ही ईटन फूड, ओके। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, क्या मेरे पास कलम है, ठीक है, अब यहाँ पर है पास, ठीक है, तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, डू का यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि आई के साथ हमारा डू का लगता है, ठीक है, आई के साथ हमारा डू का यूज होता है, ठीक है, डू डू आई हैड पेन, फिर देन क्वेश्चन मार्क, डू आई हैड पेन, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा, क्या उसके पास फूल थे, ठीक है, तो पास आ गया ना, तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, डस का यूज करेंगे, कि उसके क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, डस का यूज करेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा डस ही हैड फ्लावर्स, ठीक है, डज ही हैड फ्लावर, ओके। सो फ्रेंड्स अगर आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हो, हैज क्या होता है, हैव क्या होता है, हैड क्या होता है, अगर आपको पता चल गया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।